जबलपुर के गंजीपुरा महिला मार्केट की कॉस्मेटिक एंड इमिटेशन ज्वेलरी शॉप में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि मंगलवार को हमेशा की तरह बाजार बंद था, जिससे यहां की गलियां खाली थीं। घटना देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है, जब मार्केट बंद होने के बावजूद दुकान के अंदर से धुआं उठने लगा। जब तक आसपास के दुकानदार और वहां रहने वाले लोग कुछ समझ पाते, तब तक दुकान के अंदर बनी गोदाम में आग फैल चुकी थी। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन तब तक वहां पर रखा काफी माल जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के मुताबिक शेरू खान की गंजीपुरा में रिच इमिटेशन एंड कॉस्मेटिक की दुकान है। गंजीपुरा में रिच इमिटेशन के नाम से शेरू खान की दुकान थी, जो कि कॉस्मेटिक, कुछ इमिटेशन ज्वेलरी और कुछ कपड़े, इन सबकी दुकान थी। ऐसा प्रारंभिक ज्ञान से ये लगता है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। तो तत्काल फायर ब्रिगेड और सब इंतजाम हुआ, एमपीबी की भी टीम आ गई और पुलिस के चारों तरफ से प्रोडक्शन देकर तत्काल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, बाकी जो नुकसान हुआ उसका व्यवस्था लगाई जाती है, पता लगवाया जाता है। इमिटेशन करके है ये दुकान, के मालिक का नाम शेरू है। इस दुकान में डिपार्टमेंटल स्टोर था, जिसमें नीचे कॉस्मेटिक, कपड़े इत्यादि की दुकानें थी, ऊपर पार्लर भी था। आग लगने का कुछ कारण अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि फायर ब्रिगेड वाले आप देख रहे हो लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे ही कुछ सामने आएगा तो पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट है क्या है। लगभग कितना नुकसान की आशंका है? ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि है तो लाखों का नुकसान, दुकान पूरी खाक हो गई है, दुकान पूरी जल के भस्म हो चुकी है। कौन दिन के ऑनर? इनका ऑनर का नाम शेरू है। दुकान का क्या नाम है? रिच इमिटेशन। आपका शुभ नाम? मैं विक्रांत जैन, अध्यक्ष नॉर्मल स्कूल रोड, गंजीपुरा व्यापारी संघ।